हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय निशा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है कोलंबा लिबिया से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज टर्म्ड एज, बर्ड की स्टडी चिड़िया की स्टडी कहलाती है। ऑप्शन ए आर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी ऊलॉजी, ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन डी है एक्थियोलॉजी। तो बर्ड्स की स्टडी कहलाती है आर्निथोलॉजी। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए आर्निथोलॉजी, जबकि बर्ड्स के एग की स्टडी को ऊलॉजी कहा जाता है और मछलियों की स्टडी को इक्थियोलॉजी और रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बर्ड एग, बर्ड के एग की स्टडी कहलाती है। ऑप्शन ए आर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी ऊलॉजी, ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि बर्ड्स के एग की स्टडी कहलाती है ऊलॉजी, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी ऊलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन रॉक पिजन डज नॉट नेस्ट ऑन, जो सामान्य रॉक पिजन होती है ये अपना घोंसला कहाँ नहीं बनाती है। ऑप्शन है फिशर ऑफ रॉक्स, ऑप्शन बी फोर्ट्स, ऑप्शन सी हाउसेज, ऑप्शन डी ट्रीज। तो जो कॉमन रॉक पिजन होती है ये अपना घोंसला ट्रीज पर, पेड़ों पर नहीं बनाती है, बल्कि घरों में, फोर्ट्स पे, ये सब जगह, फिशर्स पे, ये सब जगह ये पाई बनाती हैं, पेड़ों पर नहीं बनाती हैं। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर डी ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिजन मिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड इन, पिजन मिल्क का निर्माण होता है या निर्मित होती हैं। ऑप्शन ए क्रॉप, ऑप्शन बी आसोफेगस, ऑप्शन सी बक्कल कैविटी, ऑप्शन डी स्टमक। तो पिजन मिल्क मैन्युफैक्चर्ड होती है या निर्मित होती है क्रॉप में, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा इन कोलंबा लिबिया आर कवर्ड बाई, कोलंबा लिबिया का जबड़ा किसके द्वारा ढका हुआ होता है। ऑप्शन ए अपर कुलम, ऑप्शन बी रैम्फोथिका, ऑप्शन सी सेरी, ऑप्शन डी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो जो कोलंबा लिबिया का जा होता है ये ढका हुआ होता है रैम्फोथिका के द्वारा, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी रैम्फोथिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉस्ट्रेल इन पिजन आर ओवरहैंग्ड बाय, पिजन में नॉस्ट्रेल्स ओवरहैंग्ड होती किसके द्वारा। ऑप्शन ए है फीडर्स, ऑप्शन बी रैम्फोथिका, ऑप्शन सी अपर कुलम आर्सरी, ऑप्शन डी निक्टिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो पिजन में जो नॉस्ट्रेल होती हैं ओवरहैंग्ड होती हैं अपर कुलम या सिरी के द्वारा, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी अपर कुलम आर सिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड इन पिजन, पिजन में सिर्फ एक क्यूटेनियस ग्लैंड है। ऑप्शन ए है स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन बी सेबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन सी है मेमरी ग्लैंड, ऑप्शन डी है पेन ग्लैंड आर यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो पिजन में जो एक क्यूटेनियस ग्लैंड पाई जाती है वो होती है पेन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी प्रीन ग्लैंड्स आर यूरोपाइजियल ग्लैंड। बस्टर्ड बिंग्स इज अटैच टू, बस्टर्ड्स बिंग्स ये जुड़ी हुई होती हैं, अटैच होती हैं, बस्टर्ड बिंग्स ये अटैच होती हैं। ऑप्शन ए हैंड, ऑप्शन बी सेकेंड डिजिट, ऑप्शन सी फोर आर, ऑप्शन डी पोलेक्स आर थम्स। तो बस्टर्ड बिंग्स जो होती हैं अटैच होती है पोलेक्स या थम्स से, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी पोलेक्स आर थम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीलोम इन बर्ड इज डिवाइडेड इनटू थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी बाय, बर्ड्स के सीलोम जो कि डिवाइडेड होते हैं, बटे हुए होते हैं थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी में किसके द्वारा डिवाइड होती हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रांसवर्स सेप्टम, ऑप्शन बी ऑब्लिक सेप्टम, ऑप्शन सी है लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम और ऑप्शन डी है
डायगोनल सिस्टम, डायगोनल सेप्टम। तो बर्ड्स में जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी होती है ये सेपरेट होती है, डिवाइड होती है ऑब्लिक सेप्टम के द्वारा। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी ऑब्लिक सेप्टम, जिनमें थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी होती है ऑब्लिक सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैट मसल्स, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली मसल्स नहीं, मांसपेशी नहीं है। ऑप्शन ए पेक्टोरल मसल्स, ऑप्शन बी कोरैको ब्रैंकियलिस लॉन्गस, ऑप्शन सी है गैस्ट्रो इंसिमेस, ऑप्शन डी है कोरैको ब्रैंकियलिस। तो इनमें से जो उड़ने वाली मसल्स नहीं है वो है गैस्ट्रो इंसिमेस। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रो इंसिमियस, जो कि उड़ने वाली मसल्स नहीं है, जो बर्ड्स में ये उड़ने में मदद नहीं करते हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोरामेन ट्राइओसियम इज एन अपर्चर बिटवीन, फोरामेन ट्राइओसियम एक अपर्चर है, एक छिद्र है किसके बीच में। ऑप्शन है क्लेविकल एंड कैराकोइड्स, ऑप्शन बी है कैराकोइड्स एंड स्केपुला, ऑप्शन सी क्लेविकल एंड स्केपुला, ऑप्शन डी क्लेविकल कैराकोइड्स एंड स्केपुला। तो फोरामेन ट्राइओसियम जो कि एक अपर्चर है और ये सिचुएटेड होता है इस कैराकोइड क्लेविकल और स्केपुला के बीच में। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी क्लेविकल कैराकोइड एंड स्केपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टोरेलिस माइनर इज ए पेक्टोरिस, पेक्टोरेलिस माइनर है। ऑप्शन ए इलिवेटर मसल्स, ऑप्शन बी पर्चिंग मसल्स, ऑप्शन सी विसरल मसल्स और ऑप्शन डी है डिप्रेसर मसल। तो पेक्टोरेलिस माइनर जो है वो एक प्रकार की इलिवेटर मसल्स है। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर ए इलिवेटर मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बर्ड्स गिजार्ड इज यूज फॉर, बर्ड्स में गिजार्ड्स एक इसके लिए यूज कर की जाती है। ऑप्शन ए है प्रयोग की जाती है, ऑप्शन ए चेविंग फूड, ऑप्शन बी ग्राइंडिंग फूड, ऑप्शन सी मिक्सिंग फूड, ऑप्शन डी डाइजेस्टिंग फूड। तो बर्ड्स में जो गिजार्ड होते हैं ये मोस्टली प्रयोग की जाती है फूड की ग्राइंडिंग करने के लिए। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राइंडिंग ऑफ फूड या ग्राइंडिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकिजियो मिजेंट्रिक बेन कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, कॉकिजियो मिजेंट्रिक बेन्स ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं कहाँ से। ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी टेल, ऑप्शन सी पेल्विस, ऑप्शन डी क्लोएका एंड रेक्टम। तो कॉकिजियो मिजेंट्रिक बेन जो होती है ब्लड कलेक्ट करती हैं क्लोएका एंड रेक्टम से। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोएका एंड रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग कवरिंग द ब्रेन ऑफ ए बर्ड आर, बर्ड्स के ब्रेन की कवरिंग का मतलब है। ऑप्शन ए ड्यूरामेटर एंड पियामेटर, ऑप्शन बी ड्यूरामेटर एंड पिया एराकोइड लेयर, ऑप्शन सी है पियामेटर एंड एराकोइड लेयर, ऑप्शन डी है ड्यूरामेटर एंड एराकोइड लेयर। तो बर्ड्स के ब्रेन की जो कवरिंग का मतलब है वो है ड्यूरामेटर एंड पिया एराकोइड लेयर। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूरामेटर एंड पिया एराकोइड लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैविटी ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड, मिड ब्रेन की कैविटी गुहा कहलाती है। ऑप्शन ए है डायोसील, ऑप्शन बी फोर्थ वेंट्रिकल, ऑप्शन सी ईटर, ऑप्शन डी ऑप्टोसील। तो मिड ब्रेन की जो कैविटी होती है ये कहलाती है ईटर। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पिजन ग्रे मैटर
इन इंटरनल इज, पिजन में ग्रे मैटर इन, ग्रे मैटर जो होता है इंटरनल होता है किसमें, ऑप्शन ए ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्शन बी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ग्रे मैटर जो होता है इंटरनल होता है पिजन में, और ए मोस्टली पाया जाता है ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा में। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पिजन रेटिना प्रोसेस, पिजन के रेटिना में पाए जाते हैं, ऑप्शन है रॉड एंड कॉन्स इक्वली, ऑप्शन बी मोर कॉन्स देन रॉड, ऑप्शन सी मोर रॉड एंड देन कॉन, ऑप्शन डी ओनली कॉन्स। तो पिजन के रेटिना में मोस्टली पाए जाते हैं मोर कॉन देन रॉड, मीन्स ज्यादा कॉन पाए जाते हैं और तब रॉड पाए जाते हैं, मोर ज्यादा कॉन सेल पाए जाते हैं और तब जाकर के रॉड सेल्स पाए जाते हैं। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर बी मोर कॉन देन रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रा ऑर्बिटल रैकेट्स इज सीन इन द स्कल ऑफ, इनमें से किस जीव के कपाल में इंफ्रा ऑर्बिटल रैकेट्स पाया जाता है, ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी पिजन, ऑप्शन सी बैरनेस, ऑप्शन डी रैबिट। तो इनमें से जिनमें इंफ्रा ऑर्बिटल रैकेट्स पाया जाता है वो है पिजन। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर बी पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेक्टन इज फाउंड इन द आई ऑफ, पेक्टन किसकी आई आंख में पाई जाती है, ऑप्शन ए पिजन, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी लिजर्ड, ऑप्शन डी फ्रॉग। तो पेक्टन जो होती है ये पाई जाती है पिजन के आंख में। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल नेरेस ऑफ पिजन आर कवर्ड विथ, कबूतर में बाह्य नासारंध्र ढाका होता है, ऑप्शन है नेजल फोल्ड, ऑप्शन बी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सिरी, ऑप्शन डी स्किन फोल्ड। तो कबूतर में जो बाह्य नेस्ट्रिल हम कह सकते हैं जो होता है ये ढाका होता है सिरी के द्वारा। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी सिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय, कबूतर का दूध स्रावित होता है, ऑप्शन ए मेल पिजन, ऑप्शन बी फीमेल पिजन, ऑप्शन सी बोथ मेल एंड फीमेल पिजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कबूतर का जो दूध होता है स्रावित होता है मेल और फीमेल के क्रॉप से। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपाइजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, यूरोपाइजियल ग्लैंड संगठित होती है किससे, ऑप्शन ए है लिजर्ड, ऑप्शन बी है शार्क, ऑप्शन सी है फ्रॉग, ऑप्शन डी पिजन। तो यूरोपाइजियल ग्लैंड से संबंधित होती है, संगठित होती है पिजन से। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर डी पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप मिल्क इज फाउंड इन, क्रॉप मिल्क पाया जाता है, ऑप्शन ए काक्रोच, ऑप्शन बी स्कॉर्पियन, ऑप्शन सी पिजन, ऑप्शन डी कैमल। तो क्रॉप मिल्क ए पाया जाता है पिजन में। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी पिजन। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।